दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा एक नए बिजनेस आइडियाज के बारे में। सर्दियों के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है, शहरों का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, करीब 2 महीने बाद ठीक ठाक गर्मी पड़ने लगेगी, ऐसा हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं। गर्मियां आने के साथ ही जिन दो चीजों की खपत सबसे पहले बढ़ती है उनमें बिजली और पानी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, पर क्या आप जानते हैं कि पानी से पैसा भी कमाया जा सकता है? हम में से ज़्यादातर लोग सोच के हैरान हो जाएंगे, क्या पानी से भी पैसा कमाया जा सकता है? प्रिपेयर फॉर समर सीजन। दोस्तों गर्मियाँ आने वाली हैं, आप गर्मियों की तैयारी कर लीजिए। आप लोग एक छोटे से बिजनेस को शुरू करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग बिना किसी निवेश के, कह सकते हैं थोड़ा सा निवेश करके, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज आप उसका प्लांट भी लगा सकते हैं, नॉमिनल कास्ट में आप प्लांट लगा सकते हैं और एक अच्छे बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पानी से भी पैसा कमाया जा सकता है? जी हाँ, पानी का बिजनेस काफ़ी तगड़ा है जिससे आपको अच्छी कमाई हो सकती है। अगर आप अभी से तैयारी करें तो गर्मियों में मोटा पैसा कमा सकते हैं। नया बिजनेस आइडिया तलाश करने वालों के लिए मिनरल वाटर का बिजनेस बहुत शानदार है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपको मोटा प्रॉफिट होगा, जिसमें कि आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बिजनेस तो ज़्यादातर लोगों को पता है, बिजनेस की शुरुआत कैसे करें? उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर आप मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू करना चाहें तो सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर कराएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। हाल ही में बता दूँ आप लोगों को कि दोस्तों FSSAI के निर्देशानुसार पानी आज की डेट में बहुत कीमती हो चुका है। शुद्ध पानी पीना बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अगर मिनरल वाटर का बिजनेस करते हैं, आने वाले गर्मियों में पानी की खपत बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा पानी खरीदेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनी एक्ट के तहत कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फिर आपको कंपनी का पैन और GST नंबर लेना होगा। बिजनेस में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको 1000 से 1500 वर्ग फीट जगह की ज़रूरत होती है। इस जगह बोरिंग के अलावा RO, चिलर मशीन और कैन लगेगी। इससे पानी स्टोर करने के लिए टंकियाँ भी लगाई जाएंगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसीलिए आपको अभी से शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों पानी का बिजनेस ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करना है ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जो जबकि इसका एक रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो पानी ही है। ज़्यादातर अगर आप बोरिंग करा लेते हैं तो पानी फ्री में ही आपको मिलता, बस नॉमिनल आपको बिजली की कॉस्ट देनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आपको टंकी रखना पड़ेगा स्टोर करने के लिए, और ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग जिनको ये बिज़नेस शुरू करना, वो लोग अभी से बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस और ISI नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको परमिट लेनी पड़ती है और लाइसेंस भी लेना पड़ता है उस राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से, और उसी के साथ साथ आपको ISI नंबर भी लेना पड़ता है ताकि आपके कंपनी पे कोई भी अगर लीगल एक्शन होता है तो आप उससे बच सकें। आपको इस काम के लिए लाइसेंस और ISI नंबर भी लेना होगा। जहां आप मिनरल वाटर प्लांट लगाएंगे वहां पानी में TDS का स्तर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई कंपनियाँ कॉमर्शियल RO प्लांट तैयार करती हैं, इसमें 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का खर्च आता है। फिर कम से कम 100 पानी सप्लाई करने वाले जार खरीदें, इनमें 20 लीटर कैपेसिटी वाले बेस्ट रहेंगे। यहाँ तक आपको 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी का मैं आपको बताता हूँ कि बैंक भी आपको लोन देते हैं बड़ी आसानी से। 1 घंटे में अगर 1000 लीटर से ज़्यादा पानी का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये की कमाई प्रॉफिट के तौर पर हर महीने आपकी बचेगी। यदि आपको पैसों की ज़रूरत है तो बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। आपको बैंक से 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। ये लोन आप मुद्रा योजना के तहत ले सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करेंगे अगर आपको मुद्रा योजना के बारे में नहीं पता, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। यदि आप 1 घंटे में 1000 लीटर पानी का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमारे पास आइडियाज़ तो आ जाते हैं, लेकिन
अच्छा प्रॉफिट, मोटा कमाई कैसे हम लोग करें। यदि आप 150 रेगुलर कस्टमर बना सके और हर कस्टमर रोज 1000 पानी का इस्तेमाल करे तो आप रोज 150 ही जार बेच सकते हैं, यानी महीने में कुल 4500 जार पानी बेच सकते हैं। एक जार की कीमत 25 रुपये होती, इस तरह आप हर महीने लगभग 1.25 लाख रुपये कमा सकते हैं। अपने पास रखे लोगों की सैलरी, किराया, यदि जगह अपनी है तो बेहतर है, बिजली का पानी जैसे खर्च के बाद आपको महीने में 50,000 रुपये तक का सीधा प्रॉफिट हो सकता है। बात करते हैं कि अगर हम लोग हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम लोग बड़ी कंपनियों से डीलरशिप भी कर सकते हैं, जैसे कि बिस्लेरी और एक्वाफिना जैसे कई बड़े ब्रांड हैं, आप जिनसे डीलरशिप लेकर बिजनेस करते हैं, ये कंपनियां भी 20 लीटर के जार सप्लाई करती हैं। डीलरशिप पर आपको 5 से 10 लाख रुपए लगाने होंगे, लेकिन जब आपके पास एक ब्रांड का लोगो लग जाएगा तो आपका बिजनेस यूं दौड़ेगा जैसे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक चीज़ खासकर ध्यान रखना होगा, जैसे वाटर सप्लाई में कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं, इनमें बोतलें और जारों का टूटना और चोरी होना भी शामिल है, इसलिए इन असुविधाओं से बचने के लिए इंतजाम करें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, बिजनेस आइडिया कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।